नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुई सून पर। आशा करता हूँ आप हमसे लगातार जुड़े हुए हैं और जितने हमने एपिसोड्स पहले तक उजागर किए हैं आप सबके सामने आपको पसंद आए होंगे। आज का जो विषय मैं आपके सामने चर्चा में लाने वाला हूँ वो है एक्स मुंबई कमिश्नर परमबीर सिंह को लेकर। ये विषय हम इसलिए कानून की चर्चा के दायरे में लाना चाहते हैं क्योंकि जब मैंने खबर पहली बार पढ़ी तो सबसे पहले खबर निकल के ये आई कि जो इंडिया के सबसे बड़े रईस उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी, उनके घर के बाहर एक स्कॉर्पियो गाड़ी पाई जाती है जिसमें कुछ बॉम्ब स्केयर की बात आई कि उसमें कुछ ऐसी स्टिक्स पड़ी हुई थी, बारूदी सामान पड़ा हुआ था जिससे कि उनकी जान माल को खतरा था, उनके घर को ध्वस्त करने की कुछ साजिश रची गई थी। तो इस पे बहुत चर्चा हुई, एक सुर्खियों में खबर रही और इसके बाद ये पता चला कि मुंबई पुलिस के एक आला अफसर हैं, अधिकारी हैं, जिनको अरेस्ट कर लिया है और फिर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और न जाने कितनी तरह की और एजेंसियाँ इस पे छानबीन कर रही हैं, इस पे खोजबीन कर रही हैं, तफ्तीश कर रही हैं और ये देख रही हैं कि ये पूरा मामला है क्या, ये साजिश क्या है, क्या ये मर्डर का मामला है, क्या ये कॉन्स्पिरेसी का मामला है, फलाना फलाना। लेकिन उसके बाद एक और जो रहस्यमयी खबर पढ़ने में आती है अखबार में वो ये है कि जो मुंबई के जो कमिश्नर थे पहले परमबीर सिंह जी, उनका तबादला करा के महाराष्ट्र की सरकार ने उनको एक दूसरे विभाग में भेज दिया है। मेरे ख्याल से दमकल केंद्र में किसी और केंद्र में उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई तबादला हुआ तो क्यों हुआ, चलिए तबादला हो गया वो तो एक कानूनी प्रक्रिया है, स्टेट की अपनी मर्जी हो सकती है, लेकिन उसके बाद परमबीर सिंह साहब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल के ये कहते हैं कि भाई मेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, मेरे ट्रांसफ़र पर रोक लगाई जाए और साथ ही साथ इस पूरे विषय को देखा जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर हैं वो अपने आप में एक करप्ट ऑफिशियल हैं, ये उन्होंने अपनी पटिशन में बात की। उन्होंने ये कहा कि भाई पुलिस को यहाँ तक उन्होंने बोला हुआ था कि हर हफ्ते जहाँ पे जितने महाराष्ट्र में बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फूड प्लेसेस हैं, कम से कम मुझे 100 करोड़ रुपए की वसूली ला के दो, मतलब हफ्ता वसूली, जो हम एक पुराना टर्म सुना करते थे, उसकी उन्होंने अपनी बात चिट्ठी में कही और एक चिट्ठी के बाद ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका में आई। तो मैं समझता हूँ कि कुछ सवाल हैं जो देशवासी होने के तौर पर और एक आम नागरिक होने के तौर पर हम सबके जहन में कहीं ना कहीं ज़रूर आते हैं। वो सवाल तो पहले ये हैं कि भाई आप इतने बड़े आला दर्जे के अफसर हैं, आप एक कमिश्नर रह चुके हैं पुलिस के, तो अभी तक आपको क्या बात थी जो रोक रही थी कि आप पहले आपने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया या पहले आपने इस बात को कभी उजागर नहीं किया और सीधे अब आप सुप्रीम कोर्ट क्यों चले आए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल इनकी याचिका को खारिज करते हुए और इनको एक लिबर्टी देते हुए, मतलब इनको बोला कि आप हमारे सामने ना आए, आप बम्बई हाई कोर्ट के सामने जाएं, क्योंकि बम्बई हाई कोर्ट भी एक संवैधानिक संस्था है, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जैसे कि हमें, तो हम हमारे आने से पहले और हमारे सामने कोई भी गुहार लगाने से पहले आपको पहले बॉम्बे हाई कोर्ट जाने की जरूरत थी। तो ये जो सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व की, तो इस पे जो मैंने आपसे कुछ अभी सवाल पहले किए ये उजागर होते हैं कि परमबीर सिंह इतने आला दर्जे के अफसर क्यों नहीं पहले बताए, क्यों उन्होंने पहले विसल ब्लोअर बन के ये बात नहीं कही कि भाई होम मिनिस्टर का जो आचरण है गलत है, ये जो 100 करोड़ की वसूली की बात हो रही है ये तो हम नहीं मान सकते कि एक पुलिस ऑफिसर को नहीं पता होगा कि उसके इलाके में क्या चल रहा है या उसके शहर में क्या चल रहा है, या होम मिनिस्टर से अगर उनको कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे, एलिज्ड इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे, तो इस बात की पहले पुष्टि क्यों नहीं हुई और इस बात पर अगर पुष्टि की गई तो पहले इसको खबर में क्यों नहीं लाया गया? आप क्यों चुप थे भाई इतने टाइम तक, इसकी कोई वजह होनी चाहिए। दूसरी बात, आप सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों उठ के चले गए, आप पहले बम्बई हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? आप तो पुलिस हैं, आपको तो कानून प्रशासन और प्रणाली का पूरा पता होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट का वक्त ज़ाहिर करने से अच्छा था ये था कि आप हाई कोर्ट जाते, एक प्रॉपर याचिका बनाते और वहाँ पे आप अपनी बात की सुनवाई करते, क्योंकि ये मामला पहले महाराष्ट्र का है और बाद में देश का है, ये अपने आप में कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन जाता कि इसको आप पब्लिक इंटरेस्ट के रूप पे या किसी ऑडिट पिटीशन के रूप पे सीधे सुप्रीम कोर्ट आएँ और सुप्रीम कोर्ट से बोलें कि आप इसकी जाँच पड़ताल करें। इसके दो मायने हो जाते हैं, क्योंकि जब सबसे बड़ा जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा आपसे प्रश्न करता है कि आप पहले बम्बई हाई कोर्ट नहीं गए, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होता। जवाब इसलिए नहीं होता क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब देश का आम नागरिक इन सब चीज़ों को देखता है, इन सब बातों का मूल्यांकन करता है, तो हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक हमने उद्योगपति की बात की, अंबानी साहब बहुत बड़े उद्योगपति हैं इस देश के, रईसों में उनकी गिनती होती है, उनके घर के बाहर जब कुछ अफरा तफरी मची, उस अफरा तफरी के चलते जब एक कमिश्नर का तबादला हो जाता है तो ये सारी चीज़ें जनता की नज़र में आनी शुरू होती हैं। वो तो अपनी बारे में एक बात है, पर जो कानून है, कानून अंबानी साहब के लिए भी उतना ही है जितना कि कमिश्नर के लिए, जितना कि एक होम मिनिस्टर के लिए। तो अगर कहीं गड़बड़ हो रही है, अगर कहीं साजिश है, तो पुलिस का ये रोल बनता है कि उस साजिश की प्रॉपर तहकीकात की जाए। इसमें जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को लाया गया है, क्या उसकी ज़रूरत थी या महाराष्ट्र पुलिस अपने आप में सक्षम थी इस चीज़ को करने के लिए कि नहीं करने के लिए, ये दूसरी बात निकल के आती है। क्योंकि देखिए, कानून की जब हम बात करते हैं तो ये बात समझनी होती है कि चाहे वो पुलिस की अथॉरिटी हो, चाहे वो कोई CBI हो या ED हो या NIA हो या स्टेट का अपना कोई मशीनरी हो, सबको तहकीकात की पावर दी गई है। और तहकीकात की पावर इसलिए दी जाती है क्योंकि कानून के अंतर्गत ये माना जाता है कि अगर आपको कोई पावर दी गई है, आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, तो आपको जनता की सेवा में
और जनता के लिए काम करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे इसमें महीन मुद्दे हैं जो कि कोर्ट के सामने विचाराधीन होंगे, कोर्ट इस पर विचार विमर्श करेगा। मैं समझता हूँ कि मुंबई हाई कोर्ट में भी ये याचिका जल्द से जल्द परमबीर सिंह जी डालेंगे और बहुत ये मुद्दा अपने आप में रोचक होने वाला है कि जो इनका तबादला हुआ वो क्यों हुआ, क्या वो कायदे कानून को मद्देनज़र रखते हुआ। साथ ही जो ये जो बात कर रहे हैं हफ्ता वसूली की, जो 100 करोड़ रुपए की बात आई है, क्या ये वाकई में सच है कि नहीं, और अगर ऐसे में हफ्ता वसूली होती है तो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि ये बातें बैंक वायर से तो होती नहीं है, ये कोई वाइट ट्रांजैक्शन तो होती नहीं, तो सब काले धन का मामला है जो कि नकद में दिया जाता है। तो इसकी पुष्टि एक पुलिस ऑफिसर कैसे करेगा कि 100 करोड़ रुपये अगर आते थे तो कैसे आते थे, कहाँ से आते थे, इसका खुलासा होना बहुत ज़रूरी है, इस पर जाँच पड़ताल होनी बहुत ज़रूरी है। तीसरा मुद्दा ये निकल के आता है कि अब कई लोग राजनीतिक तौर पर कह रहे हैं कि भाई जो होम मिनिस्टर हैं उनको अपना रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जब तक कानून में इसका विश्लेषण ना किया जाए या कोर्ट इस पर कोई प्रतिक्रिया अपनी जाहिर नहीं करता या कोर्ट कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता किसी संस्था को कुछ करने के लिए, तो कोई भी व्यक्ति विशेष क्यों अपना इस्तीफा दे। पहली बात तो ये, क्योंकि एलिगेशन जो होती हैं या जो किसी पर आरोप या प्रत्यारोप की जो जो लड़ी होती है, ये हमारे देश में बहुत आम बात है। कोई ऐसा पहली बार बात नहीं हो रही कि कोई पुलिस अफसर निकल के आया और उन्होंने किसी पर दोषारोपण किया हो, या फिर पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि कोई मंत्री से कोई इस्तीफा मांग रहा हो देश या बाकी लोग। तो मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिक्स है वो अपनी एक जगह है और जो कानून का दायरा है, जो कानून का मत है, वो अपना एक जगह है। और जैसा मैंने कहा कि कानून जो है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, वो किसी के लिए खासम खास नहीं होता। और ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी कोर्ट जिसके सामने ये मामला विचाराधीन हो, जिसके सामने याचिका आए, वो इसको तफ्तीश में देखे और हमारे देश की जनता को फिर से ये आश्वस्त करे कि जो हमारी कानून की प्रणाली है वो बहुत सुडौल है, सशक्त है और हर चीज़ को वो मद्देनज़र रखते हुए काम करती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप हमसे जुड़े होंगे और इस केस को हम भी इस पर नज़र बनाए रखेंगे और आशा करता हूँ आप भी नज़र बनाए रखें। अगर आपको इसमें कुछ रोचक चीज़ निकल के दिखती है या कुछ आपको इस पर अपडेट्स दिखती हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करें और हमें इसके बारे में अवगत कराएं। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आता हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून।